हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। आई होप आप सभी कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, अपनों के पास हैं और अपनों के साथ हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सुबह की 10 बजे वाली क्लास के लिए तैयार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके एग्जाम पर टीचिंग स्कूल में, और मैं हूँ आपकी शगुनम। बढ़िया तरीके से तैयारी को धार दे रहे हैं ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक बार सारे के सारे लाइव आ जाइए और वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल, इनके कमेंट्स भी लगा दीजिए मेरे सिस्टम पे और उनको अच्छे से बड़ा कर दीजिए फॉन्ट साइज। बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस को धार दे रहे हो ऐसी मैं आशा करती हूँ। फिलहाल सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, वो ये कि 17 अप्रैल सुबह 11 बजे एक बहुत ही खास इवेंट लेके आ रहे हैं विवेक सर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमेशा से ही एग्जाम्पल कुछ नया और कुछ अच्छा करने का प्रयास करता आया है, और उसी क्रम में अगर बात करते हैं तो ये इवेंट बहुत ही खास होने वाला है। इन बच्चों को पोस्टर दिखा दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और मैं आप सभी को तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ आपके आने वाले इवेंट मशाल, तो जलेगी जीत की मशाल 17 अप्रैल सुबह 11 बजे। तो टाइम अभी से आप फिक्स कर लीजिए, अभी से आप सारे के सारे। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप नाउ दिस इज द इवेंट, ओके। तो जलेगी जीत की मशाल 17 अप्रैल सुबह 11 बजे आप सभी का बेसब्री से इंतजार रहेगा इस इवेंट में। तो आई होप कि आप सभी इस इवेंट को हमेशा की तरह जैसे सारे इवेंट को सराहते हो वैसे ही सराहोगे और बहुत सारा प्यार दोगे। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और आज कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। आपको बीच बीच में तड़का लगता रहेगा, किस किस का बीच बीच में तड़का लगेगा, बायो का भी बीच बीच में, केमिस्ट्री का भी मिक्स क्वेश्चन ले आई थी। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, शवि जी भाई मोस्ट वेलकम, स्वागत है। प्रिंस वर्मा जी, प्रियंका यादव, अर्पिता वर्मा, अंजू कुमार, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। संजना पटेल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से बताएंगे सारे के सारे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि ब्लड प्रोटीन नहीं निकलते यूरिन के माध्यम से, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स निकलने का मतलब है कि यूरिन के संग खून आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कभी भी यूरिन के संग क्या नहीं रिलीज होता, व्हाइट ब्लड सेल, मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी नहीं जाती। क्या निकलता है, यूरिया निकलता है, जल होता है घटक, यूरिया घटक होता है मूत्र का। इसी प्रकार से क्रेटिनिन घटक होता है, तो क्रेटिनिन की मात्रा अल्प मात्रा में क्रेटिनिन निकलता है, लेकिन इसकी भी मात्रा एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि क्रेटिनिन इज द राइट आंसर, ओके, क्रेटिनिन इज द राइट आंसर। अच्छा, वो सारी दवाएं जो कि मूत्र विसर्जन में सहायता करती हैं, लिख लो यहां पर, यह भी क्वेश्चन आपका खूब बनता है यूरिन से रिलेटेड, कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं। देखो डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स वो दवाएं जो कि किसमें मदद करती हैं। अब जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा, आप यूरिन अच्छे से नहीं जा पा रहे हो, आपका डॉक्टर को आपने बताया कि हमें दिन दिन भर हम यूरिनेट नहीं जा कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डायूरेटिक्स देता हूं। तो वो दवाएं जो मूत्र विसर्जन में मदद करती हैं, मूत्र विसर्जन में मदद करती हैं, क्या कहलाती हैं, मूत्र विसर्जन में सहायक होती हैं, डायूरेटिक्स कहलाती हैं। इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आपको याद रखना है। द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल, जल्दी से बताओ कि थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निम्नलिखित में से स्रावित होता है। बढ़िया से क्वेश्चन को रीड करेंगे और देन आंसर देंगे। रीड द क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि नामक कौन सा हार्मोन, कौन सा नामक, भैया बताओ इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। करिश्मा यादव, आंचल वर्मा, मोस्ट वेलकम, ठीक है। आंचल तुम कभी आती कभी नहीं आती, तुम बंक मत किया करो, कल की क्लास में थी तुम। आंचल भाई मोस्ट वेलकम। आस्था जी वैष्णवी मोस्ट वेलकम आकांक्षा। तो देखो यहां पर ध्यान से, थाइमस ग्रंथि नामक हार्मोन, तो हम सभी ने डिस्कस किया है पहले भी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तीन तो मस्तिष्क में होती हैं, हाइपोथैलेमस, बोलो मेरे साथ हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, और तीसरी हो जाती है पीनियल ग्लैंड। यहां पे आ जाओ तो थायराइड और पैराथायराइड, पीछे से पैराथायराइड। चेस्ट कैविटी में अगर हम बात करते हैं तो थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन का श्रावण करती है, कहां पे पाई जाती है, चेस्ट में,
और याद रखिएगा ये थाइमोसिन, थायरोक्सिन तो थायराइड करती है, ये किसका, ये थाइमोसिन नामक हार्मोन का श्रावण करती है, इसका थाइमोसिन नामक हार्मोन का श्रावण करती है। ये कब, इस हार्मोन का क्या काम होता है, ये कब एक्टिव होता है? तुम लोग थायरोक्सिन और थाइमोसिन में कंफ्यूज हो जाते हो। थायरोक्सिन यहां से रिलीज होता है, थाइमोसिन नीचे से, थाइमस चेस्ट में तो थाइमोसिन रिलीज होगा। और याद रखिएगा कि वक्ष गुहा में पाई जाने वाली ये ग्रंथि सबसे ज्यादा कब सक्रिय होती है, जब कोई बच्चा प्यूबर्टी की एज को हिट कर रहा होता है। हमारे शरीर का, अब जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वही 14-15 साल के बाद उनमें प्यूबर्टी हिट करती है, लड़कों में मूंछें निकलना, शारीरिक वृद्धि विकास होना, हाइट बढ़ना, है ना, ऑर्गन्स का विकास होना, तो हमारे शरीर की बहुत सारी एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, शारीरिक वृद्धि विकास में। तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन रखने में सहायता करती है। तो अगर आपसे थाइमस ग्रंथि की क्या पूछ लें लोकेशन, तो कहना चेस्ट कैविटी में होती है। कहाँ होती है, चेस्ट कैविटी में होती है। रक्त समूह एबी क्या है, ब्लड ग्रुप एबी क्या है, जल्दी से बताओ, एबी ब्लड ग्रुप कहाँ है, क्या जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, या नो एंटीबॉडी, नाइदर एंटीजन और नॉर एंटीबॉडी, या बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जल्दी से बताओ। हम सभी को पता है कि जो एबी है ये यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर है, ये एक सर्वग्राही ग्रुप है, ये सभी से ले सकता है, और ये ओ वाले से भी ले सकता है, ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, और ए बी वाले से भी ले सकता है। ये सर्वग्राही ग्रुप कहलाता है। अगर किसी का ब्लड ए बी है तो वो किसी से भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें नो एंटीजन एंड नो एंटी सॉरी नाइदर एंटीजन एंड नो एंटीबॉडी। तो यहां पे सही आंसर आपका होगा सी, कि इसमें ना एंटीजन और ना एंटीजन होते हैं ना एंटीबॉडी होते हैं, जो कि क्लॉटिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। एंड एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी क्या होती है, एटॉमिक क्लॉक जल्दी से देखो और सारे के सारे आंसर दो। एक एटॉमिक क्लॉक क्या होती है, परमाणु घड़ी, ये विशेष रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती है, और इसका जब भी क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा सीजियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सीजियम जैसी धातु का प्रयोग करते हैं, सीजियम। कहां पे, ये कौन सी मेटल है, तो इधर सुनो, हम लोग फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जिसको हम सीजियम कहते हैं। इसके कुछ प्रश्न मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनो, इतना ही पूछा जाता है ज्यादातर वनडे एग्जाम में। क्या सीजियम, चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त धातु कौन सी है, तो याद रखेंगे ये चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त धातु है। चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त धातु कौन सी है, सीजियम। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। कौन सी, एल्यूमिनियम। इसी तरीके से याद रखेंगे हम सीजियम के बारे में, इसका प्रयोग परमाणु घड़ी के निर्माण में होता है। इसके अतिरिक्त ये कैसी धातु है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ज्यादा नहीं होता, ये कैसी धातु है जो हथेली पर पिघल जाए, मतलब जैसे सर्दियों में गोले का तेल कैसे जम जाता है, हमको पता ही है, चम्मच से गोले का तेल हमने निकाला और उसे हथेली पर रख के और ऐसे रब किया। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कौन सी धातु है जिसका गलनांक ज्यादा नहीं होता और हथेली पर पिघलने वाली धातु है, तो याद रखेंगे ये हथेली पर पिघलने वाली धातु है, एक ये और एक गैलियम, ये दोनों धातु। हाँ अमन अमन, ये आर्ट साइड वाले बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बहुत टफ साइंस नहीं है, आपसे भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ठीक है। इधर देखो ध्यान से अमन, तो जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्लास है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, जल्दी से बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो कि पूरी तरीके से, जिनमें कोशिकांग क्या होते हैं, झिल्ली से ढके होते हैं, तो इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किससे, ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई संरचना होती, किससे, ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। जो एडिशनल पॉइंट बताती चलती हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुना करिए, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। क्वेश्चन देखो यहां पे, सही कर लो थोड़ा सा, ग्वाइटर, ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ,
जल्दी से बता दो, ग्वाइटर या जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं, गले में घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये तो सारे के सारे सही बताओगे, मुझे पता है, जल्दी से बताओ। चलो शवि जी, कोई बात नहीं, शवि का मतलब क्या है? शिवी तो सुना, शिवा सुना, शिवदूती सुना, शवि का मतलब क्या है? कैन यू प्लीज एलैबोरेट द मीनिंग ऑफ योर नेम? क्वेश्चन देखो, ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ग्वाइटर, गले में घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखेंगे, गले में घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन से हमें कुछ क्वेश्चन स्पेशली ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि 17वें समूह का 17th ग्रुप का ये एलिमेंट है, जो कि बाय द वे फिर क्या होगा, हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है। इसकी कमी से हमारे शरीर में, वेरी गुड, बढ़िया तरीके से आंसर दीजिए, इसकी कमी से हमारे शरीर में किसकी प्रॉब्लम होने लग जाती है? थायरोक्सिन की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है। भाई हमारे शरीर में एक ग्रंथि है यहाँ पर, जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं, सॉरी थायरॉइड बोलते हैं, उसमें से हार्मोन निकलता है, इसको थायरोक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन की फंक्शनिंग गड़बड़ाती है, तब ये होता है ग्वाइटर। तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन का की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, ठीक है, इसकी कमी से। और इसके अलावा क्या याद रखना है आयोडीन के बारे में? एकमात्र चमकदार धातु है, एकमात्र, द सिंगल नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, चमकदार अधातु है, जिसको हम आयोडीन के नाम से जानते हैं। आपसे यदि पूछा जाए समुद्री खरपतवार, हाँ हिंदी में लिख रहे डियर, इधर देखो ध्यान से, हिंदी में भी एक बात बताओ, तुम लोग अजीब बात करते हो, जिंक को जिंक ही बोला जाएगा, हिंदी में भी जिंक ही लिखेगा, बहुत ज्यादा जस्ता लिख देगा, कैल्शियम आयोडीन क्लोरीन, बस इधर देखो। तो यहां पे देखो ध्यान से, एकमात्र धातु जो कि चमकदार है, तो चमकदार धातु है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या ध्यान रखना है कि समुद्री खरपतवार या अंग्रेजी में जिसको हम सी वीड्स के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? सी वीड्स। ये किसका, हाँ वेरी गुड, तो जो सी वीड्स है वो किसका मुख्य स्रोत है? आयोडीन का मुख्य स्रोत है। नीले रंग की दवा जिसे टिंक्चर के नाम से जानते हैं, वो किससे संबंधित है? वो भी आयोडीन से संबंधित है। हमारे नमक में कौन सी धातु मिली होती है? आयोडीन मिली होती है। किस रूप में मिली होती है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिली होती है। ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू द डैश इन एयर, सिल्वर जो चांदी है वो किसकी उपस्थिति में क्या पड़ जाती है? कोरोजन, मतलब उसके ऊपर जंक सी लग जाती है। चलो जल्दी से बताओ। ओके, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ये बच्चे कह रहे हैं, कारण बताओ भाई। हाँ चल वर्मा, इधर देखो ध्यान से, साधना यादव और सारे के सारे, जल्दी से प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू, वैसे एक बात बताऊं, जो डेली एस्पायरेंट हैं, और जब आपको पता है 10 बजे क्लास होनी है, तो फिर तुम मुझे यहाँ मिलो, संडे वाले दिन क्लास नहीं होती है, नहीं होती। अगर स्पेशल इवेंट लेके आऊंगी तो सैटरडे को बता दूंगी। तुम्हें नोटिफिकेशन का क्या, चोचले पालने की आदत है? हम तो बहुत देसी बात कर लेते हैं, फिर जब तुम्हें पता है 10 बजे यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी, तो फिर नोटिफिकेशन और नॉकआउट देने की क्या जरूरत है? ऑफलाइन क्लास में कहीं फीस भरते हो तो क्या कोई तुम्हें रोज सुबह खुद बताने आता कि सुनो आज 10 बजे आना है, आज भी आना है, आज भी आना है, ऐसा तो नहीं? वेयर इज द नीड ऑफ नोटिफिकेशन? सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू, सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। चांदी एक ऐसी धातु है जो वातावरण में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ क्या कर लेती है? काले रंग की इसके ऊपर परत जम जाती है, इसको Ag2S के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सिल्वर सल्फाइड, अच्छा एक कुछ बातें चांदी से संबंधित विशेष रूप से याद रखोगे। सबसे ज्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखिएगा ये विद्युत तथा ऊष्मा की उत्तम चालक, सबसे अच्छी सुचालक है। इसके अतिरिक्त यदि पूछा जाए कि चांदी का यौगिक जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, इसका क्या प्रयोग है, तो कहना इलेक्शन में जो स्याही बनाई जाती है, मतदान की स्याही। एक बात बताओ, अभी रिसेंटली जैसे यूपी में वोट वो हुए, पंजाब में आपके इलेक्शन हुए, तो चुनाव में वोट डालने के बाद हमने नोटिस किया होगा कि हमारे नाखून के ऊपर क्या लगा दी जाती है? स्याही लगा दी जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट का बेंजीन में बना हुआ सॉल्यूशन होता है। तो लिख लो कि मतदान में प्रयोग की जाने वाली
अच्छा ठीक है, इधर देखो दूसरे गोले से आई हो, देख आंचल इधर देखो ध्यान से। तो याद रखना, मतदान में प्रयोग की जाने वाली स्याही है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। इसका दूसरा कोई यूज बताइए तो वो भी सुनो। मुंह देखने वाला शीशा दर्पण, तो दर्पण के पीछे कलई, मुंह देखने वाला शीशा उसके पीछे तुमने नोटिस किया होगा भूरे रंग का पेंट होता है, लेप। तो याद रखिएगा, अगर तुमसे पूछे कि दर्पण की कलई, कि दर्पण की कलई क्या होती है, तो दर्पण की कलई बनाने में भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। ठीक है, यहां से सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, जल्दी से बताओ फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, सफेद चींटी के द्वारा, कॉकरोच के द्वारा, लाल चींटी के द्वारा या मच्छर के द्वारा? सफेद चींटी, कॉकरोच, लाल चींटी या मॉस्क्यूटोज, किसके लिए? तो हम सभी को यह बात पता होनी चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होता धीमे धीमे बेसिक जो डेली लाइफ की चीजें हैं उनका कर लो अच्छे से पहले। ठीक है, फिर किसी दिन फॉर्मूला की क्लास भी ले लेंगे, हाउ टू मेक द फॉर्मूला। चलो तो याद रखेंगे, लाल चींटी और मधुमक्खी, लाल चींटी और मधुमक्खी, इनके डंक से फॉर्मिक एसिड जिसका सूत्र है HCOOH, ये उत्सर्जित होता है और इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं और इसको हम मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा नाम भी जरूर लिख लेना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, याद रखना है। और अगर ये काट लेता है, काट लेती है मधुमक्खी बर्रैया जो भी कह लो, तो क्या करें फिर? फिर वहां पे वो अम्ल छोड़ के गई है, वहां पे कोई क्षार लगाओ वहां पे, अगर आप यदि हो सके तो फिर घर में अगर इनो का पैकेट रखा हो तो उसका पाउडर रगड़ लो वहां पे। अगर इसी प्रकार से बेकिंग सोडा किचन में मिल जाए, जो छोले बनाने में मम्मी यूज करती हैं, वो सोडा डल लगा के रगड़ लो हल्का सा। कहने का मतलब कोई क्षार रगड़ो, क्या रगड़ना है? कोई क्षार रगड़ना है। ठीक है रविशंकर, तो कोई क्षार रगड़ना है, ना कि वहां पे अचार रगड़ लो। अगर तुमने ऑलरेडी वहां पे एक तो चींटी काट गई बेचारी, मधुमक्खी काट गई, सूज गया, फिर तुमने उसके ऊपर अचार रगड़ लिया, अचार में ऑलरेडी एसिड है, नींबू का अचार है तो सिट्रिक एसिड है। तो याद रखना, अगर एसिड के ऊपर एसिड लगाओगे तो इज इक्वल्स टू मोर जलन। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसी प्रकार से घर में अगर कभी भी लोहे की लोहे से चोट लग जाए, चाकू से हाथ कट गया, या कहीं बाइक वाइक में चोट वोट लग गई पीछे नीचे हैंड स्टैंड से, तो क्या करना चाहिए? खून निकल आया, अब टिटनेस के चांसेस लग रहे हैं, क्या करें फिर? तो फिर तुरंत उसका प्राथमिक उपचार यही है कि घर में अगर एसीटोन रखा मिल जाए, जिसको नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं, वो आपका बहुत हेल्प करेगा। हाँ, एक अच्छी दवा है। तो लोहे से चोट लगने पर, तुम्हें पता है लोहे से, लोहे की सुई से इंजेक्शन लगाने पर डॉक्टर भी तो एसीटोन वही यूज करता है। तो याद रखना, बाहरी घाव, और बताऊं दारू जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल, घर में अगर ब्रांडी अरांडी की बोतल रखी मिल जाए तो उसे बाहरी चोट के रूप में लगाएं, उससे कभी भी इंफेक्शन नहीं फैलता। अल्कोहल इज एक्सटर्नल मेडिसिन। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है? जल्दी से आंसर दो, मैं एक्स्ट्रा जो बता रही थी तुमने सुना, सब आंसर दे रहे। यूरेनियम, इधर देखो ध्यान से, तो याद रखना यूरेनियम इज द राइट आंसर। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, यूरेनियम किसके द्वारा प्राप्त होता है? अपने अयस्क पिच ब्लेंडी। तो याद रखना, अगर यूरेनियम का अयस्क पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। तो पिच ब्लेंडी क्या है? यूरेनियम का अयस्क है। इसके अतिरिक्त क्या याद रखोगे? यूरेनियम के वैसे तो कई समस्थानिक होते हैं, लेकिन यूरेनियम का विशेष समस्थानिक जिसे यूरेनियम 235 कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 235। तो याद रखिएगा, ये बेस्ट फ्यूल है, मतलब इसे परमाणु बम के लिए सबसे अच्छा ईंधन माना गया है। तो लिख लो, यह परमाणु शस्त्रों के लिए समृद्ध ईंधन। इसे हम क्या एग्जाम में फेस करते आए हैं? इसे परमाणु शस्त्रों के लिए समृद्ध ईंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं? समृद्ध ईंधन कहते हैं। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे, यदि इस मसाले का प्रयोग करते हुए हम नाभिकीय रिएक्टर में बिजली बनाते हैं, तो याद रखिए, यदि लिखो, यदि इसे ऐसे लिखो, यदि इसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में बिजली बनती है, यदि इसके द्वारा रिएक्टर में बिजली बनती है, रिएक्टर में बिजली बने, फिर वो रिएक्टर कौन सा कहलाएगा? मतलब परमाणु बम का मसाला यदि हम यूज कर रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए, फिर वो कोई साधारण रिएक्टर नहीं रह जाता है, उसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इस बात को चाहे कैसे भी याद रखो, बट याद रखना
कि यूरेनियम 235 इफ वी आर यूजिंग इट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो यदि इसके द्वारा रिएक्टर में बिजली बनती है तो उस रिएक्टर का नाम क्या होगा, तो कहना फिर उसे हम फास्ट ब्रीडर, लिखो हिंदी में भी यही याद रखना है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे फिर इसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो यहां तक आपको यूरेनियम से, भारत में अगर हम बात करें कि यूरेनियम मिलता है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिलता है वो हमें झारखंड में जगह है जिसको हम जादू घोड़ा, लिखो झारखंड के जादू घोड़ा नामक स्थान पर यूरेनियम के अपार भंडार है, झारखंड के जादू घोड़ा नामक स्थान पर यूरेनियम के अपार भंडार हैं। तो झारखंड में जादू घोड़ा में खूब मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। और वर्ल्ड लेवल पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड, इनमें से कौन से पाचन अंग में, उदर या पेट में, छोटी आंत में, कहां पर अम्ल पाया जाता है बताओ भाई, कहां अम्ल मिलता है, छोटी आंत में, अपेंडिक्स में या फिर कोलन मतलब बड़ी आंत में, जल्दी से बताओ कहां पर मिलेगा। वेरी गुड, सुपर, हाँ कंजूसों लाइक कर दो, मोस्ट वेलकम, सुपर। हम सभी को पता है जब भोजन के पाचन की बात आती है, इधर सुनो सारे के सारे, ध्यान से पेन रोक दो, जब हम कहते हैं भोजन का पचना तो किन चीजों का पचना, दाल चावल पचेंगे, पिज्जा पचेगा, बर्गर पचेगा, कुछ नहीं। बायो कहती है तीन चीजें पचेंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्या क्या पचेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऑलराइट, एंड वसा मतलब फैट और प्रोटीन। तुम्हें याद रखना है इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाइजेशन किसका होता है? प्रोटीन का। हाँ भैया, अगर तुमने मीट ईट खाया है तो वो सारी चीजें पेट में पचेंगी। हमने मुंह में जैसे ही खाना रखा, उसे चबाया, उसमें लार मिल गई। अब वो सलाइवा मिलने के साथ ही हमें पता होना चाहिए एक विशेष एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है, जिसे हम एमाइलेज कहते हैं। वो क्या करता है, वहां वो शुरुआत कर देता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन की मुंह से ही। और मुंह में पीएच मान होता है 6.8, लेकिन जब यही खाना चबाने के बाद हमने निगला और पेट में पहुंचा तो अम्ल के कारण HCl, क्योंकि आमाशय में होता है स्टमक, इस खाने का पीएच मान पहुंच गया 1.8। अब यहां सबसे कॉम्प्लेक्स डाइजेशन होगा किसका? प्रोटीन का पाचन। तो याद रखिए कि इट इज नॉट इजी, खिचड़ी नहीं है, साबूदाना की खिचड़ी नहीं है, दलिया नहीं है जो पच गया। सो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स डाइजेशन माना जाता है और वो पचता है कहां पे? आमाशय में। इतनी पीएच वैल्यू, इतनी अम्लीयता में ही पचता है, अन्यथा फिर अगर हम बात करें तो फिर अगर अम्लीयता ना हो तो प्रोटीन के पाचन में दिक्कत आएगी। तो याद रखना है आपको, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय की, लिखो, आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलता है, और दूसरी चीज हमको याद रखनी है क्या, कि कौन सा पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है कौन? पेप्सिन। ऑल द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, सुनो, तीन चीजों की, तीन चीजों की पीएच वैल्यू याद रखोगे, इधर आओ। मुंह में भोजन का पीएच मान कितना होता है? तो बोलोगे मुंह में भोजन को हम क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस का पीएच मान 6.8, 1.8 पीएच वैल्यू कहां पे होती है? पेट में। और जब पेट में भोजन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? काइम। मेरे साथ बोलो, तो पेट में भोजन का पीएच मान 1.8 किसकी वजह से? HCl की वजह से इतना अम्लीय होता है, जबकि शरीर से बाहर निकलने से पहले मतलब बड़ी आंत में, तो कोलन में, वहां पर भोजन का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे 7.8, इसको हम काइल बोलते हैं। तो मेरे साथ बोलो, बोलस, काइम और काइल, बोलस, काइम और काइल, 6.8, 1.8, 7.8, इन तीनों की पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बोलस की पीएच वैल्यू 6.8, काइम की 1.8 एंड 7.8
काइल की. द क्वेश्चन इज द केमिकल दैट इज यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज. आम को पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कच्चे आम. तुमने देखा होगा केले भी हरे ही हरे तोड़ लिए जाते हैं और फिर उनको पकाया जाता है. किसके साथ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. गुड. तो याद रखना है हमको कि आम को या कच्चे केलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसा मसाला यूज होता है. फिर ठेले वाले आवाज लगाते हैं, कार्बाइड वाले आम, कार्बाइड वाले. है ना? तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड. ऐसे ही हाइब्रिड टमाटर. आप में से कहते नहीं है कि जब हम लोग बहुत सारी चीजें खुद स्वयं करते हैं तो हमें दैनिक जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो अगर तुम सब्जी वब्जी लेने जाते हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा देसी टमाटर और हाइब्रिड टमाटर अलग अलग होते हैं. देसी टमाटर की पहचान क्या होती है कि बेटा थोड़ा सा गोल मटोल होता है, इसे करके होता है, सुंदर सा होता है, इसमें ऐसे करके ऐसा होता है. कलर भी देखने से पहले. और हाइब्रिड टमाटर ऐसे होते लंबे, ऐसा होता है या नहीं? पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं. सो फिलहाल ये कॉमन डिफरेंस है अब, ताकि तुम पहचान सको. फिलहाल तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड को मसाले को छिड़का जाता है आमों की पेटी के ऊपर. ठीक है, आमों में, कच्चे आमों पे छिड़का, उसने वातावरण में मॉइस्चर के संग क्या बना लिया, इसने बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस बन गया C2H2. एसिटिलीन गैस निकल गई. फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? भोजन को पचाने के लिए. ऑलराइट, तो याद रख. क्या हुआ, नेट नहीं आ रहा? भाई बताओ, अभी अभी तो ठीक ठाक चल रही ना क्लास? अभी ठीक लगे, नजर ना लगे बस. चलो. तो याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड मसाले के द्वारा ही एसिटिलीन गैस उत्सर्जित की जाती है. कर ले जाओगे ना? तुम एक और बात बताऊं, आजकल जो वाली सब्जियां होती हैं जो बेल एल में निकलती हैं, जैसे कद्दू, जैसे तुरई, जैसे लौकी, इनमें विशेष इंजेक्शन आता है, वो लगाया जाता है. अब कोई बेल है वो बहुत ज्यादा ज्यादा सुबह तक 2 किलो लौकी देगी तुम्हें, 2 किलो 3 किलो, लेकिन एक इंजेक्शन लगाते ही यदि उसकी पैदावार बढ़ जाए, जो लौकी छोटी सी थी रात में वो इतनी बड़ी हो गई 4 किलो की. तो इज इट पॉसिबल? यस. आजकल हम सब यही सब खा रहे हैं, तभी तो यार वही वाली बात है. हाँ. हाँ, इंजेक्शन से बड़ी हो जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. इनमें से कौन सा फाइबर का मतलब क्या है? तुम लोगों से अगर हम फाइबर शब्द यूज करते हैं ना, तो तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में तुरंत फाइबर की कुर्सी जाती है. फाइबर का मतलब प्लास्टिक ही नहीं होता है, फाइबर का मतलब रेशा, कपड़ा जिससे बन रहा है. तो फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्लास्टिक का निर्माण, सॉरी प्राकृतिक फाइबर बनाता है? तो याद रखेंगे, जो सिल्क है, सिल्क किससे बनता है? रेशम के कीड़े से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशम का कीड़ा क्या करता है, सिल्क बनाता है, इसको हम सिल्क वर्म बोलते हैं, सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं. और रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है इसी प्रकार से. किस पर? याद रखेंगे, तो पालन क्या कहलाता है, इसको हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं. और ये भी याद रखना है आपको कि ये सिल्क होता क्या है, मतलब जो रेशम का कीड़ा है वो क्या उत्पन्न करता है? तो कहना प्रोटीन होता है. सिल्क एक प्रकार का प्रोटीन है. शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े. तो याद रखिए, यदि तुमसे पूछ ले रेशम का कीड़ा क्या खाता है, तो याद रखना मलबेरी, शहतूत. तुमने कभी शहतूत देखा है? शहतूत खाया है? पता नहीं तुमने खाया है नहीं. एग्जैक्टली. तो याद रखिएगा कि जितनी बातें हमने तुम्हें यहां पे बताई, सब याद रखनी है कि रेशम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन. रेशम का कीड़ा किस पे पाले जाता है? शहतूत के पेड़ पर. क्या खाता है? तो शहतूत ही खा, वो पत्ती खाता है, पत्ती. ठीक है. ऑलराइट. इसी प्रकार से तुम्हें हम बताएं, लाल चंदन के पेड़ की जो डालें होती हैं उनमें सांप लिपटे होते हैं. नेचुरल कहते नहीं उनको, वो ठंडक भाती है. नेचुरल चंदन की ठंडक भाती है. चंदन का मतलब ही कुछ और है, समझ में आया? असली चंदन मार्केट में लोग जाने क्या क्या बेच रहे हैं, असली चंदन चीज ही अलग है. ठीक है. लकड़ी पर घेसो और अगर लगाता है कोई, वो कहते नहीं त्रिकुंड बनाना, तो
मस्तक में ठंडक का एहसास होता है, फेस के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तस्करी चल रही है आजकल इसकी, किसकी? लाल चंदन की। ठीक है, क्वेश्चन देखो, विच मॉस्क्यूटो इज द कैरियर ऑफ जाइका वायरस? विच मॉस्क्यूटो इज द कैरियर ऑफ जाइका वायरस? क्यूलेक्स इज द राइट आंसर, क्यूलेक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, द पर्पज ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज टू, बताओ सारे के सारे। एन ऑप्टिकल फिल्टर, भाई बताओ एक ऑप्टिकल फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्टिकल फिल्टर में तुम्हें हिंट देना चाहूंगी कि जब सूर्य ग्रहण वगैरह पड़ता है तो आपको बोला जाता है कि आप डायरेक्ट ना देखकर एक छोटी सी फॉइल टाइप की, आपने पता नहीं देखा होगा या नहीं, FB वगैरह पे या सोशल मीडिया पे जरूर लोगों को देखा होगा ऐसे यूज करते हुए, एक शीट दे दी जाती कि इससे देखो सूर्य ग्रहण। तो उसका काम क्या होता है? रिफ्लेक्ट लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर, बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की प्रकाश है उसको परावर्तित करता है। डिस्पेंसेस द लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, कि ये विशेष जो अलग अलग रंग है उनको डिस्पेंस करता है। रिफ्रेक्ट, रिफ्रेक्ट मतलब अपवर्तन कर देना, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर या ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। याद रखना है सी यहां पे सही आंसर होगा, कि रिफ्रेक्ट करता है तभी हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं अलग अलग सिचुएशन में, नहीं तो सब धुंधला सा दिखेगा और ग्रहण या इस प्रकार का कोई भी मंजर होता है वो हमें साफ नहीं दिखेगा। सिलिका जेल का कार्य क्या होता है? रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। सिलिका जेल क्या ये एक मॉइस्चर का काम करता है, नमी कारक है, नमी देता हो हमारी स्किन को, या फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वाद कारक है, स्वाद देता हो तरह तरह के, या फिर ड्राइंग एजेंट है, या जिसको हम शुष्क कारक भी बोलते हैं, या फिर डेलीशियस फूड है, स्वादिष्ट भोजन को हम सिलिका जेल कहते हैं, स्वादिष्ट भोजन है। बताओ सिलिका जेल, हमने छोटी छोटी सी पुड़ियां पड़ी देखी होंगी अक्सर, थर्मस लेके आए, मिल्टन की बॉटल लेके आओ, क्या बोलते हैं वाटर कूल आता है वो लेके आइए, आप कुछ भी ऐसा नया लैपटॉप लेके आओ, वैसी चीजें जब हम लेके आते हैं, आरओ मशीन लेके आओ, तो उनमें पड़ा होता है। याद रखिएगा सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है जिससे कि बोतल में बदबू ना आने लगे, और ड्राइंग एजेंट तो इन्होंने ऐसे ही आम भाषा में बोल दिया है, एक्चुअली इसके लिए एक सटीक वर्ड यूज करते हैं, आर्द्रता ग्राही, हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रता ग्राही, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। तो हाइग्रोस्कोपिक साल्ट कैसे होते हैं, जो कि वातावरण से आर्द्रता अवशोषित करते हैं, वातावरण से क्या अवशोषित करते हैं, आर्द्रता अवशोषित करते हैं। तो याद रखिएगा अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो उसे हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब करा सकते हैं। 16th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज डन इन साइंस ऑफ, ऐतिहासिक लेखों का परिरक्षण डैश के विज्ञान में किया जाता है। अरे इतना क्या, अब हम ऑप्शन पहले देखो, आइकोनोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक या म्यूजियोलॉजी या एपिग्राफी, खुदाई हुई कहीं पर, अब पता चला मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई हुई, हम वहां घूमने गए, वहां पे खुदाई के दौरान जो जो चीजें निकली थी वैज्ञानिकों ने उसे संग्रहालय में रख दिया, क्या कर दिया, एक उसमें रख दिया, और शो केस में जो यात्री वहां घूमने जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये मूर्ति निकली थी, ये निकला था, तो ये सारी इसको क्या बोलते हैं, म्यूजियोलॉजी, म्यूजियम, और वो क्या कहलाता है, म्यूजियम, म्यूजियम कहलाता है, संग्रहालय। तो याद रखेंगे इस जहां पर रखा जाता है उसे म्यूजियम, तो म्यूजियोलॉजी बोला जाएगा, एपिग्राफी कुछ भी बोलते हो, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें, ये क्वेश्चन कैसे गलत कैसे कर सकते हो, तुम्हें ये ना पता कि कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो वहां पे म्यूजियम होता है, म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब ही यही है कि वहां पर कोई चीज दर्शन के लिए रखी हो, आई बात समझ में। आप कभी दिल्ली वगैरह भी आओगे अगर तो वहां आप हुमायूं टॉम वगैरह, हुमायूं का मकबरा है वहां पे खुदाई हुई, तो खुदाई के दौरान खिलौने लौने निकले, लकड़ी की चीजें निकली उस टाइम की, तो वो रख दी जाती हैं दिखाने के लिए, तो इसको म्यूजियोलॉजी कहते हैं। हाउ कैन यू गो विद दिस टाइप ऑफ, ऐसे क्वेश्चन तो कोई पढ़ने वाली चीज, ये तो दैनिक जीवन की चीज है। किसी ने सही कहा कि सारी जिंदगी जो है सिर्फ किताबों पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ भी तो मैटर करती है। क्वेश्चन देखो, बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट द नाइट्रोजन टू
बायो फर्टिलाइजर्स, जल्दी से बताओ। ठीक है माधुरी वर्मा जी, चलिए तो देखो जैव उर्वरक नाइट्रोजन को डैश में परिवर्तित करते हैं, तो जो जैव उर्वरक है वो नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं। जैव उर्वरक का मतलब क्या हुआ, जो नेचर में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो क्या कर देते हैं, जितने नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, सपोज मैं यूरिया ले लेती हूँ NH2CO NH2, नेचर में यूरिया किस गैस की दुर्गंध देने लग जाता है, हम सभी को पता होना चाहिए, अमोनिया की दुर्गंध देने लग जाता है, किसकी, अमोनिया की, और हम कहते हैं कि उसका क्या हो गया, अमोनिफिकेशन हो गया। तो इस बात को मेरे तरीके से नोट करो, अपने नोट्स में लिखिए कि प्रकृति में कोई भी नाइट्रोजनी पदार्थ, लिखो प्रकृति में कोई भी नाइट्रोजनी पदार्थ किसकी, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया में परिवर्तित होता है। तो हमको याद रखना है यूरिया हो कुछ भी हो, यूरिया मानव मूत्र के साथ उत्सर्जित हुआ तो पब्लिक टॉयलेट्स के बाहर किस गैस की बदबू आ रही, कहना अमोनिया की। तो याद रखिएगा इसी प्रकार से अगर कोई लाश सड़ रही है, हम सभी को पता होना चाहिए कोई डेड बॉडी, लाश का सड़ना किस गैस से संबंधित है, तो याद रखेंगे लाश का मतलब हुआ कि प्रोटीन सड़ रहा है, और प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, अमाइनो एसिड्स का बहुलक होता है प्रोटीन। तो आपको याद रखना है अमोनिया उत्सर्जित होती है, डोंट गो विद, हाँ तो याद रखेंगे अमोनिया इज द राइट आंसर। कैसे गलत कर सकते हो ये क्वेश्चन, अब मत करना बिल्कुल भी। प्रकृति में कहीं पर भी नाइट्रोजन से संबंधित कोई यौगिक सड़ेगा तो फिर वहां पर किसका उत्सर्जन होगा, वहां पर अमोनिया का उत्सर्जन होगा। अमोनिया के बारे में याद रखिएगा कैसी गैस है, एक टेट्रा एटॉमिक गैस है, कैसी, चार एटम है इसमें, तो याद रखेंगे टेट्रा एटॉमिक गैस है, और साथ ही चतुष्परमाणविक गैस होती है, और साथ ही साथ याद रखना है प्रकृति से क्या है, दुर्बल क्षार है, वीक बेस है। इसका सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है, तो कहना क्योंकि नाइट्रोजनी यौगिक है इसका सबसे ज्यादा यूज होता है उर्वरकों के निर्माण में, सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा खेतों के फर्टिलाइजर्स बनते हैं। और क्या याद रखना है आपको कि इसको किस विधि से सबसे ज्यादा बनाया जाता है, तो याद रखेंगे हैबर विधि से बनाते हैं, किससे, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन जैसे बोला है वैसे आप लिखो, ठीक है, बात आ रही समझ में, ऑलराइट। तो याद रखेंगे सारी की सारी बातें, पब्लिक टॉयलेट्स के बाहर किस गैस की दुर्गंध आती है, अमोनिया की आती है। 18th क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। रीड द क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द फोटोग्राफिंग द सन, जल्दी से बताओ, वेरी गुड, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ या स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, सूर्य की तस्वीर खींचने के लिए किसका, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। तो याद रखिएगा यहां पर सही आंसर होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या होगा सही आंसर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द राइट आंसर। सिल्क वॉर्म फीड ऑन, जल्दी से बताओ, बताओ भाई ये जो रेशम का कीड़ा है वो किसके पत्तों पे पलता है, बेसिल मतलब तुलसी के पत्तों पर पलता है, करी लीव्स, करी के पत्तों पर, गुलाब के पत्तों पर या शहतूत के पत्तों पर, जल्दी बताओ सारे के सारे, जो रेशम का कीड़ा है क्या खाता है या किस पर पाला जाता है, बताओ सारे के सारे, वेरी गुड सुपर। बेसिल का मतलब होता है तुलसी, तुलसी के पत्तों पर, करी के, गुलाब के या फिर शहतूत, क्या बात है, मेलबेरी इज द राइट आंसर। तो शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है क्योंकि पत्तियां खाता है ये। द एलिफेंट विच इज यूज फॉर, सॉरी एलिमेंट, आई एम सॉरी, द एलिमेंट विच इज यूज फॉर वल्कनाइजिंग रबर, फॉर वल्कनाइजिंग रबड़, रबड़ वल्कनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। हम सभी को पता होना चाहिए कि जो नेचुरल रबड़ होती है जो कि आइसोप्रीन का बहुलक है वो बहुत मुलायम होती है, उसको कठोरता प्रदान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसको कठोरता प्रदान करने के लिए सल्फर गैस का यूज किया जाता है, और इस विधि को हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो रबड़ का वल्कनाइजेशन या रबड़ का वल्कनीकरण क्या होता है, इसमें नेचुरल रबड़ के ऊपर क्या पास कराई जाती है,
क्या पास कराते हैं? तो याद रखेंगे, सल्फर गैस पास कराई जाती है। कर ले जाओगे ना, आराम से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स कांच की कठोरता में वृद्धि कैसे की जाती है? पायरेक्स ग्लास की अतिरिक्त मजबूती के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? बताओ भाई, पायरेक्स कांच की कठोरता कैसे बढ़ाई जाती है? हम सभी को पता होना चाहिए, जो बोरेक्स है, जिसे हम बोलते हैं सुहागा हिंदी में, इसे सुहागा भी बोलते हैं हिंदी में, बोरेक्स भी बोलते हैं, ऐसा नहीं बोरेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं Na2B4O7, इसको सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से जाना जाता है। ये पायरेक्स कांच की कठोरता में वृद्धि करता है, और फिर याद रखिएगा, ये कठोरतम कांच बनाता है, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं? बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। तो बिल्डिंग मटेरियल वाला जो ग्लास होता है, उसको हम बोरेक्स ग्लास बोलते हैं। 22 क्वेश्चन, टेफ्लॉन इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताओ सारे के सारे, कि जो टेफ्लॉन है वो किससे संबंधित है? टेफ्लॉन कहाँ पे पढ़ा होगा? टेफ्लॉन आपने आपने ज्यादातर उस कांच के या उस टाइप के मटेरियल में पढ़ा होगा, जिसका टेफ्लॉन का देखो कहां पे यूज होता है, नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कढ़ाई बनाने में इसका यूज होता है। और याद रखेंगे, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, हिंदी में भी इसको लिख लो, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का सुपर्ब। ओके राघव जी एंड एवरीवन, समझ में आ रही मेरी बात? क्लास से यदि कुछ सीखने को मिलता हो तो सेशन को शेयर करने में किसी प्रकार की बेइज्जती मत फील किया करो, ठीक है? होता पता क्या है, तुम्हारी तरफ से अगर इतना सा प्रयास हो जाता है ना, तो एक फायदा तो डायरेक्ट उस बच्चे को होता है जो कि मान लो YouTube का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ चुटकुले सुनने के लिए करता है, और इस बहाने उसे एक ठीक ठाक फ्री क्लास मिलती है। और दूसरा फायदा उस टीचर को भी होता है, पूरे के पूरे एजुकेशन वर्ल्ड को होता, पूछो कैसे, कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है दिल से और उसके कंटेंट में दम है, उसको बच्चों का सहयोग मिल रहा है, तो फिर बाकी टीचर्स भी उत्साहवर्धन प्राप्त करते हैं, और वो कहते हैं मैम की क्लास को प्यार मिला तो हमें भी क्यों नहीं, बच्चे हमारे कंटेंट को भी स्वीकारेंगे। तो एक ऑटोमेटिकली एक संस्था में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है। आप इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा, नेगेटिव कॉम्पिटिशन नहीं, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास। और एजुकेशन वर्ल्ड में भी लोग, अन्य टीचर्स भी उठते हैं, दैट वाई वी कैन नॉट। क्वेश्चन देखो, कौन सा एक हेलो एल्कीन है? इनमें से कौन एक हेलो एल्कीन है? तो याद रखिएगा, यहां पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन एक हेलो एल्कीन होगा, ठीक है? तो आई होप द सेशन इज रियली हेल्पिंग यू अ लॉट। एक बार फिर से मैं आप सभी को सूचित जरूर कर दूं, और प्लीज आइएगा जरूर, 17 अप्रैल सुबह 11 बजे एक बहुत ही शानदार इवेंट लेके आ रहे हैं विवेक सर। तो याद रखना है कि आप सभी को, देखिए ध्यान से इस पोस्टर को पहचान लो अच्छे से और नजरों में उतार लो, सुबह 11 बजे, तो 17 अप्रैल सुबह 11 बजे अब जलेगी जीत की मशाल के नाम से एक बहुत ही शानदार इवेंट लेके आ रहे हैं विवेक सर। आप सभी को आमंत्रण दे रही हूं मैं खुद इसमें लाइव बैठूंगी, जस्ट लाइक यू ऑल, मोबाइल से ही इस इवेंट को या लैपटॉप के माध्यम से देखूंगी, ना कि डायरेक्ट सर को स्टूडियो से। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत आभार। एक बहुत ही उच्च कोटि का कह सकते हो, एक बहुत ही उम्दा प्रयास है, क्या है ये जानने के लिए मिलेंगे 17 अप्रैल सुबह 11 बजे। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आई होप सो, और नहीं किया है तो फिर मैं ये कहूंगी फिर तो फिर बहुत महान हो। तो अच्छे से चीजों को करिए और आगे लेके जाइए। कल फिर से मिलते हैं सुबह 10 बजे इसी चैनल पर इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।